हरियाणा के फतेहाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नहर कॉलोनी की एक बहू द्वारा अपने बुजुर्ग सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया गया। बुजुर्ग दंपति अब दर दर की ठोकरें खाने के बाद मंदिर में आश्रय ले रहा है। दंपति का कहना है कि ना तो उनका बेटा उनकी सुध ले रहा है और ना ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उनके बेटे ने जिस लड़की से शादी की उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और पहले पति से उसके बच्चे भी हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अपने परेशानी जब दंपति ने अपने रिश्तेदारों को बताई तो उनके रिश्तेदार आए और उन्हें अपने साथ गंगानगर ले गए, लेकिन अब उन रिश्तेदारों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। यही मामला है भी, हमें वो घर में रहने नहीं दे रही। कौन नहीं रहने दे रही? बहू। क्या नाम है? पूजा। और कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। क्या कह रहे हैं वो? कहते घर से निकलो आप, और बेटे को भी डरा रखा है उसने, उसकी पक्ष लिए जा रहा है वो भी। और बेटा कहाँ है आपका? पता नहीं कहाँ है, अब हम तो 7 दिन से बाहर घूम रहे हैं। घर के अंदर ही नहीं बैठने दे रही हो? ना। क्या कह रही है? कहती निकलो आप यहाँ से बाहर, अंदर एंट्री नहीं करने देती। कितने टाइम पहले शादी हुई बेटे की? कितने बच्चे? 7 दिन पहले हुई है। बच्चे पहले साथ लेके आई है, वो दूसरी शादी है उसकी। दूसरी शादी है? कितने टाइम हुआ शादी हुई को दूसरी? 7 महीने हुए। 7 महीने। कहाँ की है वो? गंगानगर की। तो कितने दिन हो गए आप घर से बाहर निकले? 7-8 दिन हो गए, 18 तारीख के हम बाहर निकले हुए। तो आप कहाँ कोई कार्रवाई भी करवाई आपने? कार्रवाई कराई है, वहाँ भी गए, थाने में भी गए, कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं वो? वो कहते हैं या तो आप एप्लीकेशन लिखा के चले आए, वो कुछ सुन ही नहीं रहे। आप कहाँ पर, किसकी शरण में कहाँ रह रहे हो अब आप? कहीं नहीं रहेंगे, पहले अपने भाई के घर रहे, फिर उन्होंने भी भेज दिया, हम चले गए गंगानगर कर्णपुर रिश्तेदारों के साथ ही, फिर अब वो रिश्तेदार भी हमें यहाँ छोड़ के चले गए। दंपति का एक ही बेटा है जो अब बहू के डर से उनकी सुध नहीं ले रहा। वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण वो भटक भटक कर भगवान के दर पर आकर बैठ गए हैं। कलयुगी बेटे के कारण माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में बुजुर्ग दंपति मंदिर में भीख मांग कर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो चुका है।